हेलो फ्रेंड्स, क्लास डजेंट मैटर आइदर यू आर इन क्लास 5 और प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल एस के वैदिक पर मैं आपका दोस्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप मेरी कक्षा में स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट किसी भी अंक का स्क्वायर निकलना महज कुछ ही सेकंडों में आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे और करना शुरू कर देंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपका काफ़ी समय बचाने वाला है, तो इसे स्किप ना करें, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे हमारे पास अनगिनत ट्रिक हैं जिसका फ़ायदा आपको आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो आपके लिए हमने ढेर सारा मेहनत किया है, और ये आपके प्यार की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि हमें और भी तरीके से स्क्वायर फाइंडिंग के मेथड बताए जाएं, तो आज मैं आपके साथ 2-3 मेथड शेयर करूंगा। मिनिमम 2 मेथड आई शेयर, और भी वे हैं जिससे हम निकाल सकते हैं, बट आज 2 से 3 मेथड पर हमें किसी भी नंबर को स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें डुप्लेक्स फाइंड आउट करना होता है। डुप्लेक्स फाइंड आउट करने के तरीके अभी सीखेंगे। सिंगल डिजिट का कोई भी नंबर है, डुप्लेक्स को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, एंड नंबर इज़ डिनोटेड बाय ए, तो डुप्लेक्स ऑफ ए विल बी ए स्क्वायर। डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी विल बी 2 into A into B। डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट इज A B, where digit is A B C, 2 into AC plus B square। Duplex of 4 digit number A B C D is 2 AC plus 2 BC। You may take also common AC plus BC। तो चलिए अब हम नंबर पे प्रैक्टिस करते हैं। डुप्लेक्स ए का मतलब A4 एनी डिजिट 1 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, 11 से 99 तक कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट में आप 100 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, एंड सो ऑन। हम इसका स्क्वायर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलिए डुप्लेक्स 68 का हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें डुप्लेक्स ऑफ 6 निकालना होगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट डुप्लेक्स ऑफ 68 एंड अल्टीमेटली डुप्लेक्स ऑफ 8। तो डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट हमने बताया है, स्क्वायर ऑफ दैट डिजिट, स्क्वायर ऑफ दैट डिजिट ए का स्क्वायर, तो यह ईयर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू 36। डुप्लेक्स ऑफ 68, डुप्लेक्स ऑफ 68 इक्वल टू 2 into 6 into 8। डुप्लेक्स ऑफ 8 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8, दैट इज 64। तो हम हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। हम इसको जो सेकंड प्लेस पे नंबर आ रहे हैं इनको कैरी करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम D6 को उतारेंगे। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस होगा D6, D68 एंड वैल्यू ऑफ D8, तो ईयर 64, 96, 96 एंड 36। ये आपका टेंस डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद आपका हो गया ये 102। 10 कैरी हो जाएगा, 10 यहाँ पे कैरी होने के बाद ये आपका हो जाएगा 46 और यहाँ पर आप 4 उतार लेंगे। ये 6 इधर कैरी चला गया, इसके बाद 10 बचता है, 10 को हमने आगे कैरी कर दिया और ये आपका आंसर 4624 आ चुका है। 4624 इज योर राइट आंसर। इसी तरीके से आप और भी इतना आपको डी डुप्लेक्स ऑफ 6, डुप्लेक्स ऑफ 68 एंड डुप्लेक्स ऑफ 8 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप शॉर्टकट आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 स्टेप में डायरेक्टली आपको 6 का स्क्वायर लिख लेनी है, 36 दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है, आपको 96 मिल जाएगा और अल्टीमेटली 8 का स्क्वायर 64। तो आपका ये 10 डिजिट कैरी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये आप उतार लें नंबर, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10 कैरी होने के बाद 4624 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 98, स्क्वायर ऑफ 98 आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। स्क्वायर ऑफ 9 इक्वल टू 81, ये आपका आ जाएगा 16×9 = 144 and here you will get 64. Now write down your answer. 4 6 will be carry, यहाँ 6 आ जाएगा तो आपका ये हो गया आपका 10, ये 15 हो गया, 15 यहाँ कैरी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है 5 × 1 = 6, 8 × 1 = 9। तो 9604। और हमने आपके साथ एक और 1 से 100 तक स्क्वायर के लिए ट्रिक शेयर किया है अपने ही चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। ये आपको इससे भी काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करने का वे बताएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें मुझे बेस देखनी होती है 10, 20, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ये हमारे बेस होते हैं। तो हमें 100 बेस पे वर्क, अगर मान लीजिए 98 है तो 98 सबसे नियरेस्ट किस बेस के पास है? 10 और 100 और 1000 तो 100 के पास है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 98 100 से कितना कम है। तो ये 2 कम है। आपको पता है 98 में आप 2 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 98 में से 2 माइनस कर लेनी है, 96 आ गया। और जितना माइनस आप करोगे उसी का आपको स्क्वायर कर लेनी है। और हमेशा 2 पार्ट में आंसर होगा, ये आपका लेफ़्ट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में आपका हमेशा डबल डिजिट आएंगे जब आप डबल डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे हो। तो ये आपका आंसर आ चुका है 9604 और यहाँ आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो। अगर इसी प्रकार से आपको कोई 97 का स्क्वायर आपको बोल दे तो आपको कैलकुलेट करने की भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। 9409 और आप चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर में भी, आपका आंसर सेम आएगा। सपोज़ 89 का मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 89 का स्क्वायर के लिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 89 - 11, 89 - 11 तो 78 और इधर आपका 121 आ जाएगा 11 का स्क्वायर। तो 3 डिजिट रखनी नहीं है, इसको कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो 7921 आपका राइट आंसर आ गया। अगर हम अभी जो मेथड डिस्कस किए हैं ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर के लिए वर्क करेंगे। अब सपोज़ मान लीजिए 63 का मुझे स्क्वायर निकालनी है, कुछ नहीं करना है, 3 पार्ट में आपको ब्रेक डाउन कर देनी है। 36 लिखिए, इधर आप 6 जो आपका 36 हो गया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो डुप्लेक्स ऑफ 6 इज़ 36, डुप्लेक्स ऑफ 63 63 एंड डुप्लेक्स ऑफ 3 इज़ 9। नाउ यू कैन राइट योर आंसर। ये आपका 6 यहाँ से उतार लेंगे, 3 को कैरी कर देंगे, तो ये आपका 3969 आपका आंसर आ गया। आगे और चलते हैं और भी कुछ नंबर को देखते हैं। 63 का अगर मुझे ऐसे निकालना होता तो हम कैसे निकाल सकते थे, हमें ये देखना पड़ेगा 63 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 13 ज़्यादा है, तो 13 का आपको स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169। 25 में आपको 13 प्लस करना है, 25 में 13 प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38 और ये आपका 1 कैरी हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 3969। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 डिजिट का लेते हैं। सपोज हम 108 का स्क्वायर ले लेते हैं, 108 का स्क्वायर। तो इसके लिए हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 10, डुप्लेक्स ऑफ 108 एंड डुप्लेक्स ऑफ 08 एंड अल्टीमेटली डुप्लेक्स ऑफ 8 निकालेंगे। डुप्लेक्स ऑफ 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 10 इक्वल टू 10 इंटू 1 इंटू 0 एंड डुप्लेक्स ऑफ 108 इज 2 इंटू 1 इंटू 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 0, डुप्लेक्स ऑफ 08 इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू 8 एंड डुप्लेक्स ऑफ 8 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। नाउ स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, हियर यू विल गेट 0 वैल्यू, हियर यू विल गेट 16, here again you will get 0 and here you will get 64. Then write down, it will be carry here, ये यहाँ हम कैरी कर लेंगे। अब आंसर लिखिए 4, 0 और 6 में ऐड करेंगे 6 हो गया। इसके बाद यहाँ से 6 कैरी कर लीजिए, ये 1 आगे कैरी कर लीजिए 1 और ये आपका आंसर आ गया। इसको आप वैदिक, ये जो आपको मैंने ट्रिक शेयर किया ये वैदिक मैथ का ट्रिक है, वैदिक ट्रिक है, काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अनदर जो मैंने दूसरा ट्रिक बताया है उससे भी आप कर सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा बेस 100 से कितना अधिक है, बेस 100 से ये 8 प्लस में है तो आपको 108 में 8 प्लस कर देनी है और जो जितना भी एक्स्ट्रा है यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड डबल डिजिट रखनी है और यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ये आपका 116 आ जाएगा 64। तो देखिए काफ़ी फास्ट मेथड है, इससे भी फास्ट मेथड है। ठीक है, इससे भी फास्ट मेथड, ये मेथड आपका वर्क कर रहा है तो इसका यूज करिए और बनाइए। इस फटाफट आंसर निकालने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इसमें फैमिलराइज आप होते जाएंगे। इसी तरीके से जो अनदर मेथड शेयर हमने किया है उसी से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए 148 का स्क्वायर निकालने के लिए 125 से 149 तक का स्क्वायर निकालने के लिए आपको इस नंबर को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पर काफ़ी सारे नंबर प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड अपने आप आएगा। 148 हमें देखना पड़ेगा 150 से कितना लेस है, इट इज़ ओनली 2 लेस। तो ये आपको 125 में 2 लेस कर लेनी है, 125 में स्टेप 1 में 2 लेस कर लेनी है, देन आपका मिल जाता है 123। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 1 इसमें हम आपको लास्ट के 2 डिजिट का डबल करनी है, लास्ट 2 डिजिट 48 है, इसको आपको डबल कर लेनी है। ये आपको डबल करने के बाद 96 मिल जाएगा। अभी आपका आंसर रेडी हो चुका है। लेस कितना था, तो 2 लेस है, तो स्क्वायर ऑफ 2 ले लेंगे और यहाँ पर आपको ये 96 123 में प्लस कर लेनी है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 639, 9 to 11, 1 और 2 और इधर आपका आ गया 4। तो 219 0 4 आपका यहाँ पे आंसर मिल चुका है। इसी तरीके से कोई और भी नंबर आप देख लें, सपोज 142 ले लें, 142 8 लेस है, लेस कितना है 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर पहले ही करके आप राइट हैंड साइड रख लें। ये 8 आपका कम है तो आपको 125 माइनस 8 कर देनी है, तो ये आपका आ गया 117 और 117। अब आपको 42 इसका डबल कर लेनी है और प्लस कर देनी है, तो ये आपका आ गया 84, इधर आपका आ गया 117। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। 7 4 11, 8 9 और 1 10 और 1 1 2, तो 20164। तो मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कम से कम समय में करने का प्रयास करें। 1 मिनट में एटलीस्ट 5 स्क्वायर होना चाहिए। तो आप कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर लिखें, सो दैट मुझे पता लगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 37, 33, 42, 48, 40, 53, 59, 78, 83, 85, 137, 132, 139 उसका स्क्वायर। और आप हमारे चैनल पे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे और भी बेहतरीन वीडियो लाता रहूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये आपका काफ़ी सारा टाइम बचाएगा। हमारे पास ऐसे अनेकों ट्रिक हैं जो मैं आपको भविष्य में शेयर करूँगा अगर मुझे आपके तरफ से सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा दूसरा वीडियो आप ज़रूर रेफ़र करें।